तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम यहाँ और हबीबे कम टू कन्याकुमारी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग। आज हम रामेश्वरम में और आज जाएंगे हम यहाँ से डायरेक्ट कन्याकुमारी। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और ये लोग भाई लोग रेडी, मनु भाई भी रेडी, और आपको दिखा दें यहाँ पे तो ऑलरेडी हम हैं और अभी आज हम जा रहे हैं यहाँ कन्याकुमारी। दैट मीन्स कि इमी भाई, हाँ, आज हमारा 50% कंप्लीट जर्नी जो है कंप्लीट हो जाएगी ना। इसके बाद रिटर्न में दूसरा रूट हम पकड़ेंगे। मनु भाई आप क्या कहेंगे? तो इंशाल्लाह उस खुशी में आज मैं सवेरे उठा है, ठीक है, अभी निकलते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में, जो भी सीन्स रहेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चल रहे हैं रास्ते में और यहाँ पे जो है हम अभी रामेश्वरम बॉर्डर को जो है बाय बाय करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, जो भी प्रोसेस रहेगी इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे आपके साथ। तो जी यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि हमें बीच मिला है और काफी खूबसूरत सा बीच है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, कुछ इस तरह का है और कांच जो है थोड़ा सा गंदा हो रखा है। नीचे उतर के मैं दिखाऊंगा। मनु भाई उतरा है? हाँ, चलो तो जी उतरते हैं नीचे। यहाँ पे एक खास बात थी, हाँ, मोर था यहाँ, पीकॉक है ना, हाँ, पे होगा कहीं, तो जाएंगे आगे। हेलो मनु भाई, सीन्स काफी जबरदस्त है। ये देखें, यहाँ पे जो है कुछ बोर्ड है और इस पे जो है शायद तमिल में कुछ लिखा है। ये देखें, हमें जो समझ नहीं आ रहा है, जो भी यहाँ के हैं वो कमेंट सेक्शन में बता है कि है क्या है लिखे। और वन मोर थिंग, जो कि यहाँ की हाउसेस मतलब शेड बने हुए हैं। जबरदस्त। और यहाँ से भी मतलब ये चीजें जो है ना, ये जो है समंदर को एक लुक देती है, एक खास लुक देती है। और ये बीच बिल्कुल सुनसान है, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे किसी आइलैंड में फंसे हुए हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम आइलैंड में फंसे हैं और ये शिप भी जो है यहाँ पे है। दीपी भाई, हमारी शिप शायद आइलैंड में फंस गई है, ऐसा कुछ फील हो रहा है ना। देखिए आप यहाँ से, ये जो है पूरा गंदा हो रखा है, समंदर का जितना भी वो घास वगैरह वो सारा किनारे पे आ चुका है। चीज दिखा था हमें यहाँ पे, सोचा आपके साथ भी शेयर करें, आपको भी दिखाएं। और चलते हैं अभी अपनी सफर पे, आप बने रहें और भी जो भी एक्टिविटीज रहेगी रास्ते में वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी चल ही रहे थे और एग्जिट करने के टाइम पे यहाँ पे ये रामेश्वरम का सबसे जो है फेमस पुल माना जाता है, इसके इस साइड नज़ारा देखें, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये समंदर एरिया पूरा, और ये लोग जो उतर गए हैं वो भी आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं, जो ब्रिज है यहाँ का काफ़ी फेमस है। ये देखिए, 8:12 हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद जो भी प्रोसेस रहेगी वो शेयर करेंगे। ये लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी है, स्पेशली मनु भाई एंड इमरान भाई बोल रहे थे कि अभी टाइम है, अभी नहीं खाएंगे। मुझे और मनु भाई को बहुत जबरदस्त भूख लगी है, पेट में क्रुक 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 ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए करेंगे हम ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले, खाने वाले, ये इडली है ना,
कश्मीर में हम धूल चौट बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है हो गया और यहाँ से अभी निकलेंगे। ये रही अपनी कार, तो मिलते हैं आपसे, निकलते हैं यहाँ से, और क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, अप्रॉक्स यहाँ से 257 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी। सो बने रहें वीडियो में, और भी बसेस होती है वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। एंड यस, ब्रेकफास्ट जो है बहुत बढ़िया था, और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था हैदराबाद में, एंड इट्स अ सेकेंड टाइम कि मैंने यहाँ पे ट्राई करा है यहाँ का साउथ का फूड। सो ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा था, बट इनमें क्या होता है, इनमें मसाले बहुत कम होते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लगी जो चटनी बनाते हैं ये नारियल की, बहुत गजब। तो चलिए करते हैं सफ़र को स्टार्ट। सी, तो अभी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी, और हम यहाँ पे रुके हैं कॉज हम पियेंगे चाय। चाय पियोगे? चाय तो बनती है ना। इमी भाई जाके चाय वाले को पटा के आ जा, जा जल्दी, तेरा काम है। चाय निकलते हैं इंडिया में, बिना चाय तो हमारी ट्रिप हो नहीं सकती। हम लास्ट में ये फीडबैक भी दे सकते हैं कि सबसे बेस्ट चाय कहाँ पे मिलती है पूरे इंडिया में। इसी की तरह इमरान भाई अपने पटाते हुए चाय वाले को, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय होगी और यहाँ से निकलेंगे जस्ट 90 किलोमीटर अवे कन्याकुमारी। मी ब्रो एक्साइटेड, एक्साइटेड। आज 50% कंप्लीट होने वाले हैं ब्रदर। पहले बात सुनो, वो जो बंदे हैं ना, ये वाले बंदे, ये इतने छोटे से एक कुआं है उसमें मछली पकड़ रहे हैं पिछले एक घंटे से, उनको देख रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, चाय जो है हमने पी ली, क्योंकि बिना ये सफर में चाय के हमें करार नहीं आता है, बिकॉज चाय लवर है हम सब, स्पेशली इमी ब्रो एंड मी, इसलिए जो है चाय पीनी थी, और अभी जो है निकल रहे हैं, बने रहे आप वीडियो। मैंने कहा हम कन्याकुमारी आ चुके हैं, लेकिन ये तो सोनू है, पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो कन्याकुमारी जो हम एंटर हो रहे हैं, और आप देखें कश्मीर में जहां एक तरफ बर्फ नहीं गिर रही है इस बार, और वहीं दूसरी तरफ जिस स्टेट में हम घुस रहे हैं, जिस जगह जिस डिस्ट्रिक्ट में घुस रहे हैं वहां पे बारिश हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या खेल चल रहा है मनु भाई। हाँ। ये क्या सीन है? ये ऐसा सीन है कि कश्मीर में बर्फ नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो जल्दी जल्दी हमारा वेट कर रही है, जल्दी आ जाओ तो बर्फ हो जाएगी। तो पहुंचने ही वाली है कुछ देर के बाद, जो है आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे अपने कन्याकुमारी के। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 66 फॉर 1 किलोमीटर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम यहाँ, और हमारा 50% ट्रिप कंप्लीट, और तेज धूप है देख सकते हो आप, पार्किंग में फिलहाल गाड़ी लगाई है, एंड नाउ हम जाएंगे अभी नीचे और आपको दिखाएंगे लास्ट वाला पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट आप कहें इंडिया का, वो दिखाएंगे कन्याकुमारी। तो जी गाइज पहुँचे हम कन्याकुमारी, मनु भाई, इमी भाई, और ये और समंदर भाई जो कि पीछे नहीं छोड़ रहा। तो बहुत खुशी है, है मनु भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा 50% जो है, 50 क्या, हमारा जो गोल था कन्याकुमारी हमारी ट्रिप का।
सो बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। एंड धूप काफ़ी तेज़ है इसलिए हेड लगाई हुई है काफ़ी तेज़। और ये कन्या कुमारी की सीन ये लोग भी काफी ज्यादा खुश हुए हैं। तो मनु भाई अपनी खुशी कैसे इजहार करोगे? अपनी खुशी में इजहार करेंगे जरा जोर से बोला, हवा चल रही है फिर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। चलो नहा के करते हैं फिर, यहाँ पे नहाओगे? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नहाने में उतना मजा है। हमने कश्मीर के टॉप में भी नहाया था पेंगोंग लेक में, ठीक है जी, यहाँ भी नहाएंगे ठीक है बिल्कुल। बस यहाँ पे नहाएंगे सीरियसली? तो नहीं हाथ धो लेंगे भाई, हाथ धो सकते, हाथ धो सकते ठीक है। चलो ये सामने बढ़िया टेम्पल, वो पीछे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। फाइनली हमने जो है हार नहीं मानी और किसी तरह बहुत दिक्कतों के बावजूद हम यहाँ पहुंचे हैं। मी भाई कैसा लग रहा है? लगेगा बहुत गर्मी हो रही है। अभी भी वेलकम टू कन्याकुमारी। अगर हम इस साइड से जाएं तो साइड से ऐसे हैं कुछ सीन्स। फाइनली हम जो है बॉटम में हैं, अपनी इंडिया के टॉप से आए हैं, टॉप में रहने वाले आज बॉटम में। टच करेंगे, अलग फीलिंग है। पहाड़ों में रहने वाले अभी बॉटम में पानी को टच करने आए हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग, घर से निकले हुए अप्रॉक्स 28 डेज और आज जाके हमारा 50% ट्रिप कंप्लीट हो गया है। वो पॉइंट से जो है हम निकले और यहाँ पे जो है ये वाले पॉइंट पे मनु भाई ने पहले बोला कि मनु भाई ने बोला कि यहाँ पे पहले गन जूस पियेंगे, गन्ने का जूस, और इमी भाई ने इसको भी फंसा लिया है। चलो तो पीते हैं गन्ने का जूस, इससे सारी गर्मी। किदो को तो गन्ने का जूस मिल गया लेकिन मेरे टाइम पे खाली, अब मेरा फ्रेश आएगा भाई, तेरी तरफ बना हुआ नहीं आएगा ठीक है। ना 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 बिल्कुल ना, ना नाश्ता ना जूस बादशाह ना ना बिल्कुल अपना अपना जूस, अपना अपना जूस ना बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे रूम ढूंढने। इमी भाई ने गूगल पे कोई रूम देख लिया है, कोई होटल, तो डायरेक्टली जाएंगे वहीं पे और प्राइस वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद अगर जमा तो वहीं पे स्टे। तो आप बने रहे वीडियो में। ये कुछ लोकल मार्केट है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गर्म कपड़ों पे इनको करना क्या है। तो दर्शन ये इतना, यहाँ पे खाली ये लोग कपड़े नहीं लेके जाते हैं, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा वो लेके, और इनको भी वैसे भी आज विंटर चल रहा है जो है। आधे घंटे से मैप पे चल रहे हैं और अभी तक हमें लोकेशन नहीं मिली है, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, मुझे और मनु। मनु भाई सीधा चल रहा है, इसको बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बोल रहे हैं चुपचाप करके चलो। उरान भाई 200 मीटर चलना था गाइस। ओह 70 मीटर, खुदा है मर्जी। अच्छा इस वो क्या कौन कोता रोड है? 200 मीटर 180 मीटर। ओके तो चलिए देखते हैं कहाँ लेके जा रहा है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं रूम पे। इमी भाई ने जो है लोकेशन पे लोकेशन दे रहा था, तो फाइनली जो है इसे हमें रूम अरेंज करके दे ही दिया। और आज रुकेंगे, मनु भाई ये रहे अपने, आप मिस कर रहे थे इनको, तो आज रुकेंगे हम यहीं कन्याकुमारी में। और अभी के लिए तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर रेस्ट लेंगे। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।